माय फर्स्ट पराठा। अब आप सोचो कि आपके मन में क्या कंटेंट आ रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सृष्टि। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ एंड यू कैन सी द वेदर। अच्छा हो रहा है वेदर भी। तो यार आई डोंट नो व्हाट आई एम गन्ना डू इन दिस व्लॉग, बट मेरा मन था कि मैं शूट करूँ। और हाँ गाइज, आप लोगों के लिए टू न्यूज़ है, एक गुड एक बैड। तो कौन सी बताऊँ यार, पहले अच्छी बता देती हूँ। गुड न्यूज़ यह है कि कल ही मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, फिनिश इंटरनल्स। और बैड न्यूज़ है कि मेरे एक्सटर्नल स्टार्ट होने वाले हैं विद इन 5-6 days। तो दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर मी, नॉट फॉर यू ऑल। तो या दैट्स इट। अभी बज रहा है सुबह के 9 और मैं आज बहुत ही ज़्यादा लेट उठी हूँ, बिकॉज़ यार खुशी, एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में थोड़ा सा लेट उठी हूँ। तो या अभी जाऊँगी रूम। हाथ थक गया भाई शूट करते करते। तो अभी मैं जाऊँगी रूम और बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, और दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट में हम क्या बना रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो, ओके बाय। मैं आ गई रूम में अंदर और अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना लेता है। तो अकेली हूँ और कोई होता भी नहीं मेरे साथ। बस थोड़ा सा जैसे फेमस व्लॉगर लोग बनाते हैं सब्जी, हम भी वैसे करते हैं। ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वो लोग जैसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक लेंगे प्याज। एक है हमारे पास टमाटर, ये दो मेरे को चॉप करने हैं। और ये है थोड़े से आलू, एक और ले लेती हूँ गाइस, 4। बस ये एक आदमी की सब्ज़ी है, ये मैं अभी आपको यूँ छिछ छिछ करके मैजिक करके चॉप करके दिखाऊँगी। तो ये है मैजिक। देखो मेरी सारी सब्जी चॉप हो गई है। ये है अनियन, ये है टमाटो, ये है पटेटो। तो चलो गाइस, ये तो बनी नहीं रही सब्जी। लगता है मेरे हाथों का मैजिक ख़त्म हो गया है। चलो तो यार देखो, ऐसे ऐसे करने से तो कुछ नहीं होता है, छूट होता है गाइस। वो जो आपको दिखाते हैं ना ब्लॉगर वगैरह, फूड ब्लॉगर वगैरह, यूँ करके और चॉपिंग हो जाती है, वैसा कुछ नहीं होता है। मेहनत लगती है पहले काटने में। तो या मैंने पैन रख दिया है गैस पे और अब हम बनाएंगे सब्जी, बिकॉज़ यार सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना 11 बजा दिए, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो चलो बनाते हैं। एक और बात, मैंने यूँ करके इसलिए चॉपिंग करी, बिकॉज़ यार जब मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी, थोड़े से शॉर्ट कंटेंट्स रखो। जब मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ तो आप बोलते हो आप कितनी छोटी वीडियोस बनाते हो, थोड़ी सी बड़ी बनाओ। आई डोंट नो मैं करूँ क्या भाई, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा यार बताओ ना भाई। कभी यार कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, मतलब अभी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो वट टू डू। वो हो रहा है। तो इसमें डल चुकी है अभी प्याज और थोड़ा सा जीरा। अब इसमें थोड़ा डालते हैं, ये है हरा धनिया पाउडर बोलते हैं शायद इसे, सॉरी यार मेरे को मसालों के नाम नहीं पता उतने अच्छे से। और थोड़ी सी मैं डालूँगी ये लाल मिर्च, बस इतनी, बहुत है ना। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं यार, तक मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, थोड़ा सा ही डालूंगी अभी, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा लग जाता है। मसाले वगैरह डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से पक जाए, है ना। ओके okay. मैंने इसमें आलू डाल दिए और इसको रखते हैं पकाने के लिए। अब मैं बनाऊँगी अब रोटी साथ साथ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, सब्जी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बनाना खा लेते हैं। बना रही प्लेन पराठा,
बता दूँ, मैं अलग अलग शेप में ही सारे पराठे बनाती हूँ, चम्मच बनाती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है यार। वेट, पहला दिखाती हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट पराठा जो कि ट्राइंगल शेप में है। मुझे ना मेरी तो मुंडी कट रही यार, तो मुझे जो ट्राइंगल शेप के पराठे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। मतलब टेस्ट तो उनका भी वो सिमिलर ही होता है, बट ठीक है यार, अपनी खुशी के लिए मुझे ऐसा कर सकती हूँ मैं, क्या सभी को करना चाहिए। माय फर्स्ट पराठा इज रेडी, इसको ये देखो, मेरा पहला ट्राइंगल पराठा, अच्छा है ना। पिछले व्लॉग में मेरे अच्छे पराठे नहीं बने थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ था। तो नेक्स्ट पराठा है स्क्वायर शेप में। तो गाइस, सेकंड पराठा मैंने बनाया है स्क्वायर शेप में, बस मैं ट्राइंगुलर स्क्वायर शेप के ही बनाती हूँ यार। वैसे मतलब मेरे घर वालों को लगता होगा ना कि अब तो ये घर में, मतलब घर वालों को और स्पेशली रिलेटिव्स को ऐसा लगता होगा कि यार अब तो ये अकेली रहती है, अब तो घूमती रहती होगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होता है एक्स वाई जेड, आई डोंट केयर एट ऑल। बट मीनवाइल मी हेयर मेकिंग पराठास इन ऑल शेप्स। बनाऊंगी, सर्कल में बनाऊंगी, क्या यार क्या कर सकते हैं अब। ठीक है यार, होती होगी टेंशन घर वालों को, स्पेशली रिलेटिव को तो बहुत ज्यादा होती होगी, बहुत ही ज्यादा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जी बन गई है और पराठे भी बन गए। माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, अब जाता है नहाने, और घबराओ मत दोस्तों, बिल्कुल यू आऊंगी। 1 2 ये आई एम बैक, देखा मैं मैजिक के साथ वापस भी आ गई नहा के। तो चाय बना रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के साथ, बिकॉज पता है यार आप लोगों को मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। फटाफट से यार चाय बनाते हो, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। ये देखो गाइस, जुगाड़ू काम, ये कॉफ़ी का डब्बा था, बट जो हमारा चाय पत्ती वाला डब्बा था ना वो थोड़ा सा बड़ा था, तो हमें थोड़ा सा छोटू सा कुछ चाहिए था, तो या अब ये पहले कॉफ़ी का था, अब ये बन गया है चाय पत्ती का, है ना। इंटेलिजेंट अस, मी एंड माई फ्रेंड, जो कि पता नहीं कब आएगी भाई, तो आई एम वेटिंग फॉर यू यार, तुम्हारे चक्कर से मैं ये वीडियोस में बात कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ यार, आई होप आपको मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा। जब इंसान अकेले होता है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं चाय दिखाने के लिए फ़ोन ऐसे निकाल रही थी और भाई साहब गिरने वाला था यार, मतलब जस्ट ऐसे ऐसे गिर गया मेरे हाथ से, मैंने मतलब पता नहीं मैंने कैसे पकड़ा, थैंक गॉड, थैंक गॉड मेरा फ़ोन बच गया। भाई मेरा क्या होता, घर वाले मुझे दूसरा फ़ोन भी नहीं दिलाते यार। और ये यहाँ पे बगल में शादी चल रही है, टिन 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 टिन, आपको आवाज़ आ रही होगी, काश मुझे भी बुलाते यार। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मेरी सब्जी बन गई है, मेरी चाय, मेरे पराठे। फ्रेंड्स यार, फ्रेंड्स अच्छा है, ये गाइस गाइस बोल के ना मैं बोर हो गई हूँ। तो यार अभी तो 12:30 हो गए, खाना खाने का, ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो नहीं है ये, बट ठीक है ना, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो अब हम इसे क्या नाम दे, ना ये ब्रेकफास्ट रह गया ना ये लंच रह गया, आई डोंट नो। सो गाइस खाना खा लो, इग्नोर माय नेल पेंट, हाँ वो मिट गई है, मैं काम कर दूँ ना घर पे, स्लो तो ये मिट जाती है। देखो लेफ्ट की नहीं मिटी, सिर्फ राइट की मिटी है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। नाइस, तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद, ओके। की तरह आज भी हम ये देखो
फ्रूट्स खा रहे हैं टेरेस पे आके। देखो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं गाइस, मतलब मैं सारे इन्फ्लुएंसर की रियलिटी बता रही हूँ कि वो रियल लाइफ में क्या करते हैं और कैमरे के आगे क्या दिखाते हैं। वो बस जो ये ऊपर वाला होता है ना गाइस, मतलब ऊपर का चेंज करके बट नीचे से देख रहे हो मेरी तरह घर का पजामा, मतलब ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही करते हैं यार। बिकॉज हम लोग इतने इतने दिखते हैं ना, तो हम ऊपर से इतने इतने तो नए कपड़े पहन लेते हैं बट नीचे से हमारे पास घर का पजामा ही होता है। नहीं पता कि बाकी सब भी ऐसे करते हैं बट मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं तो यार ऐसे ही करती हूँ। देखो हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ठीक है कि मतलब गिव मी सम आइडियाज़ फॉर यूट्यूब कॉन्टेंट। तो उसमें मुझे बहुत सारों ने आइडियाज़ दिए, उसमें मुझे बोला था कि आप ओ वाह ये देखो अभी पीछे क्रो बर्ड्स उड़ रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। तो चलो इसे छोड़ो, तो हाँ मैं आपको बता दूँ, तो उसमें मुझे लोगों ने बोला था कि आप Q&A वीडियोस बनाओ, मतलब Q&A वीडियो बनाओ नेक्स्ट। तो यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं Q&A वीडियो में क्या बनाऊँ, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती हूँ ना कि मतलब आस्क मी क्वेश्चंस फॉर Q&A वीडियो, ऐसे ऐसे करके कुछ भी डालती हूँ तो यार कोई भी ढंग का रिप्लाई नहीं करते, सब यू आर सो क्यूट, यू आर सो वो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम ये हो, भाई ढंग का क्वेश्चन भी पूछ लिया करो यार। बस सारी जगह ये फालतू की बकवास क्वेश्चंस, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ ये क्वेश्चंस सुन के। किसी ने लिखा था उसमें कि तुम कौन से ब्लॉग बनाओ, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाओ, और तुमको फुल डे क्या खाना है, मतलब ऑल ब्लैक कलर का खाना खाना है, वैसा चैलेंज करो। भाई मुझसे ना होगा गाइस, मैं डेली व्लॉगर हूँ, मैं ठीक हूँ ऐसे ही, ठीक है ट्राई करेंगे थोड़ा सा कुछ नया भी, बट यार अभी इतना टाइम भी नहीं है और देखते हैं। मुझे एक लड़के ने लिखा था, जो भी था वो, मुझे उसका यूज़र नेम नहीं पता, मतलब मैं रिवील भी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसने मुझे लिखा था कि आप अपनी आईज क्लोज करो, ठीक है मैंने कर दी, और अब आप सोचो कि आपके मन में क्या कंटेंट आ रहा है तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। मैं कहा अच्छा ऐसा भी होता है, तो यार देखो मैंने ट्राई करा दो तीन बार, मैंने अपनी आईज क्लोज करी, चलो कंटेंट सोचता है, सोचा नहीं आ रहा यार। गाइस मुझसे नहीं होगा भाई, नहीं आया यार कसम से नहीं आया। अब तुम मेरे को, मैं दोबारा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी तो मुझे दोबारा उसमें बताना कि कैसे कंटेंट आएगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं आ रहा यार। यार लोग सोचते होंगे कि ये रोज़ कैमरे में क्या बड़बड़ाती रहती है अकेले, मेरे लैंडलॉर्ड भी यही सोचते होंगे कि ये क्या बोलती रहती है कैमरे पे। बट यार मुझे लोगों से क्या करना है भाई, मेरे को मतलब सीरियसली अब ये हो गया है कि यार आई डोंट केयर अबाउट पीपल कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या बोलेंगे, भाई मुझे मज़ा आ रहा है ना यार, मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ जब भी मैं बोर होती हूँ तो फिर कैमरा खोलो, बात करना स्टार्ट कर लो, दिस इज़ द बेस्ट वे अगर तुम्हें बोर नहीं होना है। देखो गाइस, गाइस ये तो पिज़्ज़न है, हेलो। तो माय यूट्यूब फैमिली, मैंने इंस्टाग्राम पे बना दिए बहुत सारी रील्स और पोस्ट भी कर दिया है, आई डोंट नो ये व्लॉग कब आएगा। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर कुछ खाने के लिए, बिकॉज मैंने लंच नहीं करा और मुझे ना थोड़ा सा मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है, तो यार थोड़े से मोमोज खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाऊंगी यार बिकॉज मैं थोड़ा सा छोड़ दिया ये सारी चीज़ें और थोड़ा सा हेल्दी खाना खा रही हूँ, बट आज कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस हाफ प्लेट खा लूँगी यार, या वन हाफ नॉन वेज मोमोज कर दो। हाफ से तो शायद मेरा कुछ भी नहीं होगा, हाँ तो वो थोड़े से होते हैं, फोर ही मोमोज होता है, फुल कर भैया फुल कर देना।
मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ बिकॉज मैंने बिल्कुल फास्ट फूड जंक फूड सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ कैसा तेरा इश्क है पिया। सॉरी मैं बहुत ही घटिया सिंगिंग करती हूँ। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। देखो यार अकेले कौन आता है खाने ऐसे मोमोज। मैं बैठी हूँ अकेले यहाँ पे, आई एम वेटिंग फॉर माई मोमोज यार। टन टन, ये है मेरे नॉन वेज मोमोज, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले अपने ये भर भर के चटनी यूपी रेड वाली। गाइस मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, बट ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, फटाफट यूँ यूँ खाना था मुझे, बट ये नहीं खा सकती हूँ। लेट्स सी, बहुत ही टेस्टी फेवरेट मोमोज इन देहरादून। काश कोई साथ में होता है, बट मुझे अकेले में मजा आ रहा है। तो मैं आ गई थी मोमोज खा के, अब मुझे मोमोज खा के ना इतनी एनर्जी आ गई ना, इतनी एनर्जी आ गई ना कि अभी मैं मुझसे कोई कितना भी काम करवा लेना मैं कर सकती हूँ। और ये लाइए गाइस, मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है जैम्स। मुझे मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो खानी बहुत ही अच्छी लगती है। तो या हम आपको ये खोल के दिखाते हैं। यार ये देखो 5 रुपीज़ की सिर्फ इतनी थोड़ी सी है, पता है कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 1 रुपए की 2 जैम्स और 5 रुपीज़ की 10। लूट मचा रखी है गाइस, ये देखो ये मेरे जैम्स। तो ये देखो ये यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर सनसेट होता है हमारे टेरेस पे। और यस अब मुझे अपना व्लॉग एंड करना चाहिए बिकॉज गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार। फिर से फिर आप बोलोगे कि यार सृष्टि तुम इतने बड़े बड़े व्लॉग बनाती हो, अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर मैं नहीं चाहती ना कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बुरा लगे कि इतने बड़े बड़े व्लॉग बना दिए, बट यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे बात करने में। और ठीक है हम अगला व्लॉग भी जल्दी लाएंगे, सुपर सून। और हाँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल जो न्यू है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना ताकि मैं आगे भी ऐसी व्लॉगिंग करूँ और ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। और हाँ, मुझे एक ने कमेंट करा था कि आप डेली व्लॉगिंग ही करा करो, आप वो बहुत अच्छी करती हो, तो मुझे अच्छा लगा। तो या अब मैं डेली व्लॉगिंग ही करूँगी। अब वैसे भी सारे यार व्लॉगर्स यही तो करते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी वो कर रहे हैं वही तो दिखाता है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलता है जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।